वक्त की बड़ी खबर। जहां उन्नाव मामले में अधिकारियों की बड़ी कार्यवाही, डीजीपी के आदेश पर 4 पुलिसकर्मी हुए हैं निलंबित। सीओ सिटी कृपा शंकर से मांगा गया स्पष्टीकरण। पूरे प्रकरण की जांच करेंगे एसपी रायबरेली। एसएचओ कोतवाली सदर चौकी प्रभारी मगरवारा निलंबित किए गए हैं। लापरवाही चलते 2 कांस्टेबल भी निलंबित किए गए हैं। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने ट्वीट कर ये पूरी जानकारी दी है। शिथिलता और अक्षमता के पर यह कार्यवाही की गई है। तो उन्नाव से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उन्नाव मामले में अधिकारियों की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। आपको बता दें कि डीजीपी के आदेश के बाद 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं सीओ सिटी कृपा शंकर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं पूरे प्रकरण की जांच एएसपी रायबरेली करेंगे। एसएचओ कोतवाली सदर चौकी प्रभारी बगरवारा इस मामले में निलंबित किए गए हैं। वहीं लापरवाही के चलते 2 कांस्टेबल भी निलंबित किए गए हैं। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने ट्वीट कर ये पूरी जानकारी दी है। शिथिलता अक्षमता गैर दक्षता के चलते ये कार्यवाही की गई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, उन्नाव मामले में और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस मुखिया की तरफ से की गई है और उन्नाव प्रकरण में कल जो भी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने दंगा उपकरण का जो इस्तेमाल था उसको ना करके स्टूल और डोलची से अपनी जान बचा रहे थे, उस मामले में कार्रवाई एसपी उन्नाव ने की है। और इस मामले में कोतवाली सदर एसएचओ मगरवारा इंचार्ज और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। सीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच ये कहा जाएगा कि एडीजी जोन ने एएसपी रायबरेली को दी है, क्योंकि गंभीर प्रकरण है और सियासत इसमें सुबह से ही होने लगी थी, क्योंकि एक निजी अखबार के जो फोटो कटिंग थी उसको सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आत्मनिर्भर पुलिस कहा था। और ऐसे ही तरीके होते हैं जब विरोधी पार्टियां उत्तर प्रदेश सरकार और विपक्षी को घेरती है और उसी को लेकर के शायद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अब तक जो कार्रवाई जो उस मामले में हुई थी, जो लाठीचार्ज हुआ था, जो पुलिस पार्टी पर पथराव हुआ था, उस मामले में कल से लेकर आज तक पुलिस ने 43 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 100 नामजद और 250 अज्ञात लोगों पर मुकदमा गंभीर धाराओं में हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरफ वो लोग जिन्होंने पुलिस पार्टी पर पथराव किया था उन लोगों की गिरफ्तारियों के साथ साथ जो पुलिस की जो लूपहोल से जो लापरवाही थी उस पर भी कार्रवाई कहीं ना कहीं हुई है। अंशका जी, तो जिस प्रकार से शिवा देखा गया कि बीते दिनों पथराव में जिस प्रकार से पुलिस पहुंची, जहां पर सुरक्षा उपकरणों की जगह वह स्टूल से बचाव करते हुए दिखाई दिए हैं, ऐसे में क्या कारण निकलकर सामने आए हैं जिनकी वजह से उन्हें इस प्रकार से स्टूल से अपना बचाव करना पड़ा? देखिए अंशका, जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है ऐसे में जो दफ्तर उपकरण के जो उनके पास होते हैं हथियार उस मौजूद होने चाहिए, क्योंकि उन्नाव में स्थिति अमूमन ऐसी नहीं थी जैसी पुलिसकर्मी या पुलिस के अफसर समझ रहे थे। जब वो मौके पर जाम छुड़ाने पहुंचे थे और ग्रामीणों को समझाने पहुंचे थे तभी उन पर एकाएक पथराव होने लगा था और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई थी। तो ये कहा जाएगा कि कुछ पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां पर स्टूल का सहारा लिया, डोलची का सहारा लिया, क्योंकि उनके पास ना तो बॉडी प्रोटेक्टर थे न किसी भी तरीके का हथियार था। तो इसी शायद कहा जाएगा कि तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए और बड़े अफसरों ने इस मामले में जांच बैठा दी है। तो ये कहा जाएगा कि कभी कभी ऐसी निर्मम तस्वीरें देखने में आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से यह साफ किया गया है कि दंगा उपकरण की जो तमाम चीजें हैं वो सभी जिलों में पहुंचा दी गई है और पहुंचाती रही है। ऐसे में अगर पुलिसकर्मी उसे नहीं लेकर के चलते या मौके पर जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जवाबदेही उनकी तय हो। तो अभी इस पूरे मामले में 4 लोगों का सस्पेंशन हुआ है, जांच रिपोर्ट क्या आती है जरूर देखने वाली बात होगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवा इस तमाम जानकारी के लिए। तो उन्नाव से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उन्नाव मामले में अधिकारियों की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है।